मेरी शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी शादी को लेकर बहुत खुश थी। मेरा रिश्ता मेरे मामा ने करवाया था। लड़का एक अमीर परिवार से था और एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था, इसलिए मेरे सभी घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी से पहले ही हम दोनों ने फोन पर बातें करनी शुरू कर दी थी। उसका नाम राहुल था। एक रात जब मैं उससे बात कर रही थी तो उसने कहा कि शादी की पहली रात को ना तो हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे घर में रिवाज है और यह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए मान गई। फिर देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। घर वालों ने मेरी शादी धूमधाम से करवाई और मैं उस दिन बहुत खुश थी। फिर रात में मैं अपने पति के कमरे में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। कमरे की लाइट बंद थी और कमरे में बहुत अंधेरा था। फिर किसी ने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे से अंदर आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले मेरे हाथ को चूमने लगा। इससे पहले मैं अपने पति से एक बार भी नहीं मिली थी। रिश्ते के वक्त भी हमने एक दूसरे को दूर से ही देखा था। हमारी बात बस फोन पर ही होती थी और मैं सिर्फ उसकी आवाज ही पहचानती थी। फिर उसने मुझे पीछे की तरफ लिटा दिया और मेरे ऊपर आकर मेरे होठों को चूमना शुरू कर दिया, मुझे इस तरह से बिना अपने पति को देखे। ये सब करना काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी शादी से पहले कही बात याद थी, इसलिए मैंने बिना कुछ बोले चुपचाप उसे ये सब करने दिया। वह लगातार मुझे होंठों से लेकर छाती तक चूमे जा रहा था और अब तो मुझे भी इसमें मजा आने लगा था। फिर वो मेरे ऊपर से उठा और अपने कपड़े उतारने लगा। उसने अपने हाथ के इशारे से मुझे भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहा और तब मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए। फिर उसने बिना कपड़ों के मेरे शरीर को छाती से लेकर नीचे तक चूमना शुरू कर दिया और मेरे बदन के हर हिस्से पर काफी देर तक चूमता रहा। अब तो मैं भी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और मेरी धड़कन काफी तेज चल रही थी। मुझसे भी अब सब्र नहीं हो रहा था। तभी मुझे एक तेज झटका लगा और मेरा तो जैसे कलेजा ही मुंह में आ गया था। तब मैं उसके साथ कसकर लिपट गई, लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ लिपटी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि राहुल को मैं पहले देख चुकी थी और वो दिखने में काफी दुबला पतला था, मगर जिसे मैंने अभी अभी अपनी बाहों में लिया था उसके शरीर का आकार वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि राहुल का था। अब मुझे शक होने लगा था कि ये मेरा पति राहुल नहीं बल्कि कोई और आदमी है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसने अपना काम पूरा कर लिया। फिर वो मेरे ऊपर से हटा और अपने कपड़े पहनकर बिना कुछ बोले मेरे पास बेड पर लेट गया। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थीं। ऐसे ही सोचते हुए 2-3 घंटे गुजर गए और अब तो सुबह भी होने वाली थी। तभी मुझे बाहर से किसी की हल्की से जानी पहचानी से आवाज सुनाई दी। मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई और मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा, क्योंकि ये आवाज तो मेरे पति राहुल की आवाज के जैसी थी। सच जानने के लिए मैं चुपचाप बिना कोई शोर किए बेड से उठी और धीरे धीरे अपने बैग में से अपना फोन निकाला। फिर जैसे ही मैंने फोन की फ्लैशलाइट जगाकर उसकी तरफ की तो मेरे होश उड़ गए। ये मेरा पति नहीं बल्कि ससुर था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को फोन किया और सब कुछ बता दिया। तब तक मेरा ससुर भी जाग गया था और उसे पता चल गया था कि मैं सच जान चुकी हूँ, इसलिए वह चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। मेरे घर वाले कुछ ही देर बाद मेरे ससुराल आ पहुंचे। मैंने रोते हुए पूरी बात बता दी। तब बात करने पर पता चला कि मेरा पति राहुल नपुंसक था। इससे पहले भी उसकी 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन दोनों बीवियां सच जानने के बाद उसे छोड़कर चली गई थीं। इसलिए इस बार राहुल के घर वालों ने प्लान बनाया था कि राहुल के पिता मेरे साथ सुहागरात मनाकर मुझे प्रेग्नेंट कर देंगे और अगले ही दिन राहुल को 2 साल के लिए विदेश भेज देंगे। इस तरह से अगर मुझे शादी के 2 साल बाद सच का पता भी चल जाएगा तो मैं बच्चे के लिए राहुल के साथ रहने को मजबूर हो जाऊंगी। सच जानने के बाद मेरे घर वाले तुरंत मुझे लेकर घर वापस आ गए और मैंने राहुल के साथ साथ उसके परिवार के ऊपर मेरे साथ धोखे से शादी करने और फिर गलत काम करने का केस कर दिया। शादी पूरी जिंदगी का बंधन होता है और शादी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप आधे सच और आधे झूठ के बल पर एक मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।